उत्तर प्रदेश में तमाम भर्तियों के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग का बुरा हाल है। दरअसल यहां 2016 में आई भर्ती की अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई। वहीं अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि पिछले 3 साल में आयोग की तरफ से निकाली गई किसी भी भर्ती में नियुक्ति नहीं मिल पाई। नीचे जहां तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नियुक्तियों की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो एसएससी की तरफ से नियुक्तियां निकाली गई थी उनमें नियुक्तियां नहीं दी गई या किसी कारण से रद्द कर दी गई। यहां पर तमाम अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहां से आए हैं और किस भर्ती को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम प्रयागराज जिले से आए हैं यहाँ पर, और ये जो नई सरकार वर्तमान सरकार जो है इसके आने के बाद में सन 2017 के बाद आयोग का पुनर्गठन किया गया यूपी ट्रिपल एससी का। उसके बाद 2018 की जो पहली वैकेंसी आई यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वो युवा कल्याण अधिकारी की आई, जिसमें 652 पद स्वीकृत थे। जिन पदों पर कार्यवाही चल रही है 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आज तक किसी एक भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ना किसी अधिक समय हो गया आप? मैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट से हूँ, 1.5 साल लगभग हो गया हम लोगों के भर्ती का। और टू फार्मासिस्ट 1.5 साल। आप मंडी परिषद से हैं जी। 289 पदों का विज्ञापन इन्होंने निकाला था, 30 मई को पेपर हो चुका है 2019 में। आज 9-10 महीने हो गया है, 10 महीने हो गया, अभी तक रिजल्ट का पता नहीं। आप किस भर्ती? वीडियो से हूँ, और वीडियो में पहला किया जैसे इन्होंने 8 महीने बाद रिजल्ट निकाला, उसके बाद भी अभी 1553 लड़कों के रिजल्ट आया, बाकी 400 लड़के बाहर हो गए। किस कारण से बाहर हो गए? जो कि पहले लिस्ट में हम लोग का नाम था, लेकिन डीवी कराने के लिए 12 मार्च को इन्होंने डेट निकाली है, लेकिन उसमें बिना कारण के टाइम हो गया काफी, ये 2 साल के लगभग होने वाले हैं। पिछले तीन महीने से कैलेंडर जारी किया जाता है जिसमें हम लोगों को सूचित किया जाता है कि हम ये आगामी परीक्षा का परिणाम देंगे। 3 महीने से 15-15 विज्ञापनों का परिणाम स्वीकृत किया जाता है, लेकिन एक भी परिणाम नहीं देते हैं। सर, पर अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार नियुक्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन जब भर्ती की बारी आती है तब आयोग की सुस्त व्यवस्था के कारण भर्तियां नहीं हो पाती, और इसी का कारण है कि अभ्यर्थी यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 2016 में भर्तियां आई थी उनकी अभी तक नियुक्तियां नहीं मिल पाई है, आखिर अभ्यर्थी क्या करे? लखनऊ से आशीष के साथ चंद्रमणि शुक्ला।